हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूँ रोजाना की तरह डेली करंट अफेयर्स जी के। आज 3 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जी के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जी के। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित पैनल ने किस शहर में जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए 5 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी चेन्नई। साथियों, अत्यधिक पॉल्यूशन के कारण जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण जो प्रदूषण है उसके कारण आप जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है और इसके तहत 5 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह उच्चतम न्यायालय ने लगाया गया है और किसको ध्यान में रखते हुए? ऑप्शन सी दिल्ली को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 पोर्टल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहां से लॉन्च किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। साथियों, वर्तमान में यानी कि मोदी सरकार 2.0 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने नई दिल्ली से IMI 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। साथ ही इसके लिए बात की जाए तो यह पोर्टल दिसंबर 2019 से मार्च 2019 तक खुलेगा। यह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पुनः संचालित संस्करण है, जिसका उद्देश्य है 100% प्रतिरक्षण प्राप्त करना। IMI पोर्टल पल्स पोलियो कार्यक्रम की सिल्वर जुबली समारोह में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने किसे कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए पेप्सिको इंडिया, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी कोका कोला, ऑप्शन डी वोडाफोन। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कॉरपोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार पेप्सिको इंडिया को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पेप्सिको इंडिया। और यह पुरस्कार पेप्सिको इंडिया कंपनी को सामुदायिक जल संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 17 अरब लीटर से अधिक पानी बचाने और 5 अरब लीटर से अधिक पानी की भरपाई करने के लिए दिया गया है। बात की जाए कि चेयरमैन और CEO पेप्सिको के जो हैं वह रेमन लगाटा। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र ऋणदाता कंपनी की प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO टी लता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह किस बैंक से संबंधित थी? ऑप्शन ए विजया बैंक, ऑप्शन बी धनलक्ष्मी बैंक, ऑप्शन सी कैनरा बैंक, ऑप्शन डी आंध्रा बैंक। तो इसका राइट आंसर है धनलक्ष्मी बैंक से संबंधित टी लता थी, जिन्होंने अपने पद प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। और धनलक्ष्मी बैंक का आज मुख्यालय है त्रिशूर, केरल में है। नेक्स्ट, कौन सा प्रौद्योगिकी संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान संगठन इसरो के सहयोग से एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेल STC की स्थापना करेगा? ऑप्शन ए IIT मुंबई,
ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी आईआईटी खड़गपुर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी इज राइट आंसर आईआईटी दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, फंक्शनल टेक्सटाइल, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार है और इसके साथ साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सेल की भी स्थापना करेगा। नेक्स्ट, यूनेस्को ने मुंबई के साथ किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन के सदस्य के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद को, यानी कि यूनेस्को ने मुंबई के साथ साथ हैदराबाद को भी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 21वें उत्तर पूर्व मेले का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी में 21वें उत्तर पूर्व मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने किया है। और इसका आयोजन, जो इस मेले का आयोजन ऑल असम पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन AAPBA द्वारा किया गया है। तो साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टा और अन अकेडमी पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।